जानते हैं कि आप अभी क्या सोच रहे थे, नई मजेदार चुनौतियाँ कब आएंगी। अगर यह बात सच है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रापापा की नई वीडियो इसी वक्त शुरू होती है। आइए देखें। पीटर तुम चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे सिर्फ एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा मिला, एक कितने अफसोस की बात है। हंसना बंद करो और देखो तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास इसका एक बकेट है, यह बुरा नहीं है, स्वादिष्ट लग रहा है। अब सिर्फ तुम ही बची हो वेवियन। इतना सारा पॉपकॉर्न, हाँ यह तो इसका एक पूरा पहाड़ है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। मेरे पॉपकॉर्न को घूरना बंद करो और अपना खाओ। यह काम तो पलक झपकते ही हो जाएगा, पर इस वजह से मैं इसके मजे लेने से नहीं रुकूंगा। जिंदगी में हर पल का मजा लेना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो पीटर? तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तरीके से खाया कैसे जाता है। मुझे पता है कि तुम यह सब चीज नहीं जानती, तो मुझे देखो और सीखो। मुझे एक कांटे और चाकू की जरूरत होगी। हाँ, इसकी मदद से मैं पॉपकॉर्न को ध्यान से छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ। वाह क्या स्वाद है, एकदम कमाल का। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? हाँ मेरा हो गया। ओ, मुझे इतनी हड़बड़ी में नहीं डालना चाहिए था, गैस हो गया। अब तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ गए? मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे वो सब बकवास की जरूरत नहीं है। मैं सीधा अपने स्वादिष्ट पॉपकॉर्न को खा सकती हूँ। वाह ये कितना कुड़कुड़ा है, मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा है। अब बस एक अच्छी फिल्म की कमी है। अरे क्या मैंने सारे खा लिए, वो भी इतनी जल्दी? मुझे पता ही नहीं चला, एक ही टुकड़ा बचा है, मैं इसे खत्म कर देती हूँ। यही मेरा मौका है, मैं इसे नहीं गंवा सकता। ये तुमने क्या किया पीटर, ये सही नहीं है, वो मेरा पॉपकॉर्न था। मैं खुद को रोक नहीं सका, वो मेरे इतने करीब था ना इसलिए। चलो विवियन अब तुम। कितना स्वादिष्ट है, मैं बहुत लकी हूँ, मैंने इतने पॉपकॉर्न के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। अपना हाथ मेरे खाने से दूर करो। उसने मेरी उंगली काट ली। हाँ कितना दर्द हो रहा है, पूरा लाल हो गया है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, वरना कोई पॉपकॉर्न नहीं बचेगा। चलो वैक्यूम क्लीनर उठाओ और जितना पास हो सके उतना आओ। चालू करो मैरी, मैं तैयार हूँ। हमारा मिशन शुरू हो गया है, ये सफल हो जाएगा, जल्दी सारा पॉपकॉर्न हमारा होगा। कितना बढ़िया, मुझे इस तरह के मस्त प्लान का हिस्सा होने में मजा आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा पॉपकॉर्न कहाँ जा रहा है। पीटर वैक्यूम क्लीनर को इसी वक्त बंद करो, तुमने मेरा पॉपकॉर्न कैसे चुरा लिया। ऐसे ही तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए लो अपना पॉपकॉर्न। बहुत बढ़िया, अब वो गई यहाँ से तो कोई हमें नहीं रोकेगा। चलो जल्दी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। इस बार मैं ढक्कन पहले खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह एक पैक गम, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं रुकने वाली, मुझे अभी इसी वक्त इसे खोलना है। ये च्युइंगम काफी अच्छा होता है। वाह किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इतनी हड़बड़ी मत करो विवियन, जरा हमें भी तो देखने दो। वाह मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, यहाँ कितने सारे बबल गम है, ये तो गम का एक दीवार है। कितनी जल्दी तुमने सारे रैपर खोल लिए, पर तुमने भी हड़बड़ी कर दी। माफ करना मैं तो एकदम ही भूल गई थी कि पीटर ने अपना हिस्सा नहीं देखा, पर मैंने तो काफी अच्छा काम किया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। वाह इतना कुछ इस ढक्कन के नीचे कैसे अट गया था। खैर छोड़ो मुझे इतना नहीं सोचना, यह मस्त है, मेरे पास बोलने के शब्द ही नहीं बचे। फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस ओर से देखा जाए, यह कमाल का है। सारे रैपर बस हटाने होंगे, मैं सारे उड़ा दूंगा ऐसे। मुझे भी वो खाना है। हाथ दूर करो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। लालची कहीं के, कितने बुरे हो। अब बैठो और इंतजार करो जब तक मैं अपना गम खा रही हूँ। कितना मुलायम है, मैं एक बड़ा बबल फुलाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। अब तक अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे गम में कुछ गड़बड़ है, इसे मैं फुला ही नहीं पा रही हूँ, पर मुझे पता है क्या करना चाहिए। मुझे एक पंप की जरूरत है, देखो ये काम कर रहा है। वाह अब यह हुई ना बात, मेरा प्लान काम कर गया। कितना बड़ा गुब्बारा है, इसे एक स्टिक पर लगाकर मैं रखूंगी। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे विवियन का बिलून चाहिए, पर वो तो पक्का मुझे नहीं देगी, इसलिए एक शरारती हो जाए, निशाना लगाती हूँ। अरे नहीं मेरे बैलून को क्या हो गया, ये फट क्यों गया।
माफ करना विवियन, मुझे बस थोड़ा मजा करना था। ये बिल्कुल मजेदार नहीं था। जाओ तुम अपना गम खाओ। हाँ मैं अभी वही करने जा रही हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मैं खाना बंद नहीं कर पा रही और अब बबल फुलाने की मेरी बारी है। ये बस शुरुआत थी, मुझे थोड़ा वार्म अप करना होगा। देखो विवियन वो ऐसा कैसे कर पा रही है। अब परेशान करने की बारी मेरी है। मैरी मैं कुछ नहीं भूली हूँ, तुमने मेरा बबल फोड़ा और मैंने तुम्हारा। क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा गम में क्यों ढक गया है। अरे नहीं, मेरा च्युइंग गम ये पूरा बर्बाद हो गया और मेरी भौहें भी। कितना भयानक, मुझे इन्हें फिर चिपकाना होगा। हो गया, मेरी पुरानी भौहें वापस आ गई। पीटर अब तुम्हारी बारी है। मैंने इस पल का कितने देर से इंतजार किया है। मेरे हाथ ने गम पकड़ लिया है और वे नहीं रुक सकते, और रुकना चाहिए भी क्यों, ये सब आखिर मेरे लिए ही तो है। वाह इतना सारा गम है, ये मेरे मुंह में नहीं हटेगा, पर कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। घबराओ मत विवियन, सब कंट्रोल में है। देखो मैंने कितना मस्त बबल फुलाया है, एकदम कमाल का। रुक जाओ पीटर, बस करो, तुम्हारा बबल फट जाएगा। विवियन झुक जाओ। सही थी मैरी, ये तो विस्फोट ही हो गया। मुझे उठने में मदद करो, मैं चिपक गया हूँ। तुम एक मकड़े की तरह लग रहे हो जो अपने जाल में फंस गया हो। अब मैं पहले हूँ। वाह दूध के साथ कुकीज, लेकिन इतना कम क्यों है, केवल एक कुकी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विवियन तुम देखो, मेरे पास एक बड़ा हिस्सा है। बहुत अच्छा, मैं तो इसके साथ खुश हूँ, मुझे दूध के साथ कुकीज बहुत पसंद है। तो क्या इसका मतलब मैरी के पास एक विशाल हिस्सा है। जल्दी से ढक्कन उठाओ। एक साथ 100 कुकीज और पीने के लिए दूध का एक बड़ा गिलास है। मैं तुम्हारी जगह रहना चाहता हूँ मैरी, लेकिन मुझे थोड़े से संतोष करना होगा। मैं कुकी को दूध में डुबो रहा हूँ, मुझे लगता है ये पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट है। फिर से दूध में डुबोने का समय आ गया है। अरे नहीं, मैंने अपनी एकमात्र कुकी गिरा दी। शायद तुम अभी भी उसे निकाल पाओ। मुझे नहीं लगता, यह मुमकिन नहीं है। तुम कभी कभी कितने लापरवाह हो सकते हो पीटर, तुम्हें क्या लगा था। मैं सारा दूध पी लूंगा और फिर मैं अपनी कुकी तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे पास दूध की मूछें हैं। अरे वाह ये स्वादिष्ट है। हाँ बहुत बढ़िया। पीटर तुम एकदम बेवकूफ हो। तारीफ के लिए धन्यवाद विवियन, तुम्हारे लिए अपनी कुकीज खाने का समय आ गया है। ओ इसमें कितनी फीलिंग है, इसे खाने में तो मजा ही आ जाता है। और अब मैं इसे थोड़े दूध में डालती हूँ। ओ मैंने भी कुकी को गिलास में गिरा दिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। देखो मेरा दूध कैसा हो गया है, ये चॉकलेट स्मूदी जैसा दिख रहा है। तुम क्या कर रही हो विवियन। दुनिया की सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक बना रही हूँ। सारी सामग्री इकट्ठा हो गए हैं और अब इसे बस शेकर में अच्छे से हिलाना होगा। वाह मस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया। और अब देखते हैं कि कैसा बना है। कॉकटेल को एक सुंदर ग्लास में डालना होगा। बहुत चॉकलेटी लग रहा है, मुझे ये पसंद आया। मैं एक स्ट्रॉ और एक कॉकटेल छाता लगा देती हूँ और अब इसे पी कर देखती हूँ। ये जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। कमाल का स्वाद है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे अब समझ आया कि यह स्ट्रॉ या छाता इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने सिर्फ स्वाद रखता है। और इसे पीने में बहुत मजा आया। और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कितने सारे कुकीज हैं। कुछ खा के देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, क्या हमें भी थोड़ा मिल सकता है। सोचना भी मत, तुम पहले ही अपना खा चुके हो, यह सब मेरा होगा। अरे नहीं, मैंने भी कुकी दूध में गिरा दिए। यह सब सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। ऐसा लगता है कि मेरी दूध में गिर गया, तो इसका स्वाद इसमें होगा। अच्छा विवियन, मैरी को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं पूरी भींग गई हूँ। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, सबके पास इतनी सारी गमी आंखें हैं और मेरे पास केवल एक। मैं तो इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। जूलिया गमी आंख उठा भी नहीं पा रही है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो उसके बदले में कुछ नहीं करूँगी। तो अब तुम्हें कैसा लगा, तुम भी बस चलो देखता हूँ कि तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरी आँख निकाल ली है। देखो ये तुमने क्या किया है। मैं नहीं, मैं नहीं।
अटक गई है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट नाश्ता है। ये आँख कहाँ से आ गई? उसे लगा कि आँख असली है। ठीक है, बेवकूफ बनाना बंद करो, अभी मुझे मेरा ट्रीट खाने दो। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए भी खुद को तरोताजा करने का समय आ गया है। पीटर, अब केवल तुम ही बचे हो, मैं एक ले लेती हूँ। रुको, मैं अपनी आंखें किसी को लेने नहीं दूंगा। कितना स्वादिष्ट है ये, सबसे स्वादिष्ट गमी है जो मैंने कभी खाया हो। हमें भी थोड़ा दो ना प्लीज। हाँ प्लीज दो ना। नहीं, मैं ये पूरा खुद ही खाऊंगा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे पूरे शरीर पर आंखें हो गई है। आशा है कि इस ढक्कन के नीचे कुछ स्वादिष्ट हो। अरे वाह मटर, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मटर ना मिले। क्या मटर? मुझे मटर बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बहुत सारे हैं। बकवास, काश मुझे केवल एक मटर मिले, उससे ज्यादा नहीं। मैंने इतने सारे मटर कभी नहीं देखे हैं। आखिर मुझे इतना क्यों मिला है? आखिर तुम इतने दुखी क्यों हो? मटर बहुत स्वादिष्ट होता है। मैरी, अगर तुम्हें इतना मटर पसंद है तो तुम पहले खा सकती हो। हाँ बिल्कुल खुशी खुशी, मुझे मटर बहुत पसंद है, इसलिए मैं दुखी हूँ कि मुझे सबसे कम मिला। स्वादिष्ट, लेकिन मैं इसे पूरे शिष्टाचार और तौर तरीके से खाऊंगी, इसलिए मैं इसे खाने के लिए कांटे का इस्तेमाल करूंगी। ये सच है कि इसे कांटे से खाना मुश्किल है, पर मैं संभाल लूंगी। अब तुम्हारी बारी है दोस्त। विवियन, तुम? मैं? ऐसा है कि ये मटर मुझे भी उतना ही पसंद आए जितना कि मेरी को आए हैं, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। इसे जल्दी से खाना होगा। और सबसे तेज तरीका क्या है? बेशक स्ट्रॉ। तो क्या ये स्वादिष्ट है? अभी बताती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मुझे मटर की बदबू आ रही है। तुम्हारे साथ सही हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे स्मार्ट हो? तो तुम गलत हो। मुझे पता है कि तुमसे कैसे बदला लेना है। मेरा विश्वास करो, मैं जो करने जा रहा हूँ तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मुझे लगता है एक गैस हमला होगा। पर जरूरी है समय पर मास्क लगा लेना। तो क्या तुम तैयार हो? या क्या किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मेरा बदला कैसा लगा? बेबियन, चलो पता लगाते कि इस बार हमारे लिए यहाँ क्या है। वाह देखो, ये स्कीटल्स है। काश ये और होते, इसकी बात अलग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि वास्तव में ढेर सारा स्किटल्स क्या होता है। वाह, मैंने तो उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे पैकेट होंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार हम सब भाग्यशाली निकले। लेकिन चूंकि मेरे पास केवल एक पैकेट है, इसलिए पहले मैं खाऊंगी। बकवास, मुझे सिर्फ एक कैंडी मिली है, इसे तो मैं एक सेकंड में खा लूंगी। आज किस्मत मेरे साथ नहीं है। ठीक है, मेरा हो गया। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा दोस्त पीटर इसके मजे ले सकता है। कितना स्वादिष्ट है, पर इसे ऐसे खाना बोरिंग होगा। चलो इस पल को यादगार बनाया जाए। तुम ये क्या कर रहे हो? बेहतर होगा ये मुझे दे दो। नहीं, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं अलग अलग रंग के कैंडी का ढेर बनाऊंगा, तब ये स्वादिष्ट और सुंदर दोनों होंगे। पीटर की कैंडी कितनी स्वादिष्ट लग रही है, अगर मैं एक ढेर चुरा लूं तो उसे पता भी नहीं चलेगा।
कितना स्वादिष्ट है, मजा आ गया। अरे हरा ढेर कहाँ गया, ये किसने खाया? मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि किसने खाया। कोई बात नहीं, मैं इसका बदला लूंगा। बेवकूफ है, उसे पता भी नहीं चला कि मैंने कैंडी खा ली है। शायद मैं थोड़ा और खा सकती हूँ। कितना दर्द हो रहा है। हाँ, मुझे पता था यह तुम हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह बहुत क्रूर तरीका है। मेरी उंगली कटने ही वाली थी। अब कभी मेरी कैंडी को चुराने के बारे में सोचना भी मत। मैं अपनी बेचारी उंगली का बदला ले कर रहूंगी। अगर मुझे कैंडी नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। तुमने क्या किया, मैं अपनी कैंडी खा भी नहीं पाया। मैंने अपना बदला ले लिया। अब मेरे की बारी है। अब मेरी बारी है इन स्वादिष्ट स्किटल्स को खाने की। और मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि मैं कोई जल्दी नहीं करने वाली हूँ। बहुत स्वादिष्ट। मैं अपनी कैंडीज को काफी देर तक खाना चाहती हूँ। और कितनी देर तक? हमें नींद आ रही है, शायद तुम थोड़ा जल्दी कर सकती हो। नहीं, मैं अपने हर एक कैंडी के मजे लेना चाहती हूँ। बीबीएन, मुझे लगता है कि कम से कम एक पैकेट चुरा कर खाना चाहिए, उसे पता भी नहीं चलेगा। मेरे कैंडी से दूर रहो, मैं तुम लोगों के साथ कैंडी शेयर करना चाहती थी, पर उसे ऐसे खाना बोरिंग होगा। अगर स्किटल से ड्राइंग बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, और तुम लोगों को वो ड्राइंग भी मिलेगी। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। अभी ये ड्राइंग पूरी नहीं हुई है। यह स्प्राइट मेरी ड्राइंग को और अच्छा बनाने में मेरी मदद करेगी। वाह, असली मास्टरपीस, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। रापापा को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी चुनौती को मिस ना करें। ये बहुत मजेदार और दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहें।